चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, महानगर अध्यक्ष जियाल इस्लाम, संजय पहलवान सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि किसानों की समस्याओं को अगर किसी ने समझा था तो वे थे चौधरी चरण सिंह थे। उन्होंने कहा कि अभी भी किसान विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा आम जनता जीविका चलता है। ग्रेजुएशन करने के बाद 1925 के बाद वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम किया। ताकि वो चौधरी साहब के अंदर किसानों को इतना डर था, जब किसानों के साथ अत्याचार हो रहे थे तब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेज भी किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन्होंने गांधी जी के रास्ते से चलकर देश की आजादी में भी भाग लिया। जैसा कि राय साहब ने अभी बताया कि गाजियाबाद में उन्होंने सवाज्ञा आंदोलन के तहत हिंडन नदी पे नमक बनाकर अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल के अंदर में भेजने का काम किया। और जेल से छूटने के बाद और ही क्रांतिकारी नेता के रूप में स्थापित हुए। आज किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 116वीं जयंती है। हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और सभी रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं जो किसान पैदा करता है। ऐसे किसान नेता जिन्होंने किसानों के स्तर को एक अंजाम दिया, आयाम दिया और किसानों के हित के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया। आज देश में राजनीतिक दल किसानों की कर्ज माफी पर चर्चा चला रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं। आज किसानों की ताकत उनके समझ में आ रही है। ये देन चौधरी चरण सिंह जी की है और उनकी दूसरी पीढ़ी आदरणीय नेताजी और फिर उन्हीं के आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी। ये लोग किसानों के काम इतना ज़्यादा किए हैं कि किसान आज अपने को सम्मानित महसूस कर रहा है। ये कृतज्ञता उनके प्रति जाहिर करने के लिए हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। किसान बहुत पीड़ित है, उद्योगपति दूसरे देश में भाग रहा है पैसा लेकर, लेकिन किसान इसी देश में आत्महत्या कर रहा है। उसकी जमीन भी इसी देश में है, वो जमीन लेकर भाग नहीं सकता और भागने वाला होता भी नहीं, बड़ा खुददार होता है। इसलिए किसान के सामने बड़ी समस्याएं हैं। खाद महंगी, बिजली नहीं मिलती गाँव में, पशुओं से उनके फसलों को नुकसान होना तो आम बात है, साथ ही साथ ये प्राकृतिक आपदाएं भी, आंधी, पानी, पाथर, ये तमाम चीज़ें जो किसानों को नुकसान प्रदान करती हैं। तो अभी किसानों को बहुत कुछ और मिलना चाहिए सरकार से।